एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है शाहनवाज। बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पर और ये खड़ी है अपनी कार बलिनो डेल्टा। सो आज का जो ये वीडियो है बेसिकली ये रिवर्स कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस गाड़ी में, क्योंकि रिवर्स कैमरा तो आता नहीं है, सिर्फ जीटा और अल्फा में आता है, तो इसमें मैंने लगवाया कहाँ पर। तो आप ये देखिए, जो ओरिजिनल OEM फिटमेंट के साथ कैमरा आता है, मैंने ये वहाँ पर ही लगवाया हुआ है, जो कि आपको जीटा और अल्फा में देखने को मिल जाता है इस क्रोम स्ट्रिप पर। अगर मान लीजिए आप शोरूम से लगवाते हैं कैमरा अपने डेल्टा में, तो वो शोरूम वाले आपको कैमरा लगा के देंगे यहाँ पे ठीक नंबर प्लेट के ऊपर। और यहाँ पे क्या है भाई, देखो अगर आपके पास में ऑल्टो या वैगन आर टाइप की कार है तो उसमें यहाँ पे कैमरा एक बार चल जाएगा, बट क्योंकि ये बलेनो है तो इसलिए इसमें यहाँ पर कैमरा उतना बढ़िया नहीं लगता है। पर्सपेक्टिव हो सकता है अलग अलग लोगों का कि उनको कैसा अच्छा लगता है, बट मेरे हिसाब से कैमरा वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अभी क्या है कि इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे जो नंबर प्लेट के अंदर यहाँ पे हिडन कैमरा रहता है, यहाँ पे भी आप लगवा सकते हो वो कैमरा, बट वो भी आपको जो है बाहर से ही लगवाना पड़ेगा थर्ड पार्टी, क्योंकि वो जो है आपको शोरूम में लगाने को नहीं देंगे या शोरूम में वो नहीं लगवाएंगे। तो ये मैंने कैमरा कौन सा लगवाया है, कैसे इसका फिटमेंट मैंने किया है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाता है। So, भाई आ चुके हम कार स्टाइलो में और हमने कैमरा अपना बलेनो में लगवा लिया है और वो भी क्रोम स्ट्रिप पे लगवाया हुआ है। भैया से बात करते हैं। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो भैया ने कैमरा लगाया, ब्लॉपंग का कैमरा है। तो भैया कौन सा कैमरा है, कितने का आएगा, एक बार बता दीजिए प्लीज। ये ब्लॉपंग का कैमरा लगाया है ओरिजिनल फिटमेंट के साथ आपकी बलिनो के लिए, एंड इसका चार्ज 1700 रुपए, 1700। ओके, तो इसके अलावा भी आपके पास और भी जो बंपर में लग जाएंगे या जो सबको सारे अवेलेबल है, भैया के पास सारी रेंजेस अवेलेबल है, सारे टाइप के आपको कैमरेज यहाँ पर मिल जाएंगे और कार की जितनी भी एक्सेसरीज है वो भी सारे, इंक्लूडिंग स्पीकर्स और जितना भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारी चीजें भैया के पास मिल जाएंगी। सीट कवर्स भी हैं हमारे पास, सीट कवर्स भी भैया के पास सारे अवेलेबल हैं। भैया इसके लिए कहाँ आना पड़ेगा, सेक्टर 16 में? सेक्टर 16 B9394 एड्रेस है हमारा, कार स्टाइलो के नाम से। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये वो कैमरा है जो मैंने लगवाया है, ब्लॉपंग का है ये, BCDH 2.1। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ब्लॉपंग जो कंपनी है ये बेसिकली जर्मन की ब्रांड है। ये 1924 आप देख सकते हो यहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ है। DH 2.1 ये कैमरे का मॉडल है और यहाँ पर आपके पास में देखिए 733x493 इफेक्टिव पिक्सल्स पे ये आता है। 170 डिग्री का वाइड एंगल इसमें जो है आपको देखने को मिल जाता है और ये साथ ही साथ वाटर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ये कैमरा जो है प्रॉपरली फिट हो जाता है आपके क्रोम स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, उसके साथ में अलग से कुछ एक्सटेंशन वायर्स भी लगते हैं जो कि आप जहां से कैमरा लगवाओगे वहीं पे आपको मिल जाएंगे और वो कुछ 2000 के लमसम आपको पूरा प्रॉपर पूरा फिटमेंट वगैरह प्रॉपर बैठ जाता है। तो अभी ये यहां पे क्या है, आप देख सकते हो ये ब्लॉपंग का कैमरा मैंने लगवाया है। इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं रिवर्स गियर करके आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए प्रॉपरली ना ही कोई लैग इसमें आया है, ना ही आपको कोई इसमें ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, ना ही कुछ है। और प्रॉपरली आपको मैं थोड़ा सा गाड़ी को रिवर्स करके भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए ये प्रॉपर फंक्शनल कैमरा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से आपके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। प्रॉपर लाइंस भी इसमें आपको देखने को मिल रही हैं, वो भी कलर्ड के साथ में, जो कि आप जो है ओरिजिनल में जिस तरीके से आपको देखने को ये मिल जाता है। और इसकी क्लैरिटी भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने इसका नाइट में भी एक टेस्ट किया था, वो भी मैं अभी आपको इसके बाद ही तुरंत दिखा देता हूँ कि नाइट में इसका कैसा व्यू आता है कैमरे का। सो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं कि नाइट व्यू में कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी करीब 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कैमरे की क्या परफॉर्मेंस है। तो मैं ये बैक गियर ले लिया हूँ। ये देखिए काफ़ी सही, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है कैमरा और पूरा सब कुछ क्लियर है। मैं थोड़ा सा बैक करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रॉपर एक जो है विजिबिलिटी है कैमरे की, वो प्रॉपर लाइन्स एंड सारी चीज़ें,
तो ये काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है रात में भी। क्या है कि अगर आप इस तरीके से क्रोम स्ट्रिप लगवा करके और उसके साथ कैमरा लगवाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉपर एक तो आपको जीटा और अल्फा की तरह OEM फिटमेंट के साथ देखने को मिलता है। अभी इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आप ये क्रोम स्ट्रिप कहीं बाहर से लगवाते हैं तो वो आपको डबल टेप से लगा करके देंगे और वो उतनी प्रॉपर फिट नहीं आती और वो उखड़ने का उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट ये क्रोम स्ट्रिप भी मैंने जो है नेक्सा के जो वर्कशॉप रहता है, शोरूम रहता है, वहीं से ही लगवाई थी और ये प्रॉपर ड्रिल करके लगा करके देते हैं और विदाउट एनी आप कह लो वारंटी वॉइड के साथ में। तो ये अगर आप शोरूम से लगवाते हैं तो प्रॉपर 4 होल ड्रिल्स करके और इसको नट एंड बोल्ट से टाइट करके आपको दिया जाता है, तो ये प्रॉपर फिट हो जाती है और उसके बाद ही यहाँ पे इसमें आप कैमरा लगवा सकते हो। तो ये जो मैंने लगवाई थी क्रोम स्ट्रिप, ये भी मुझे कुछ 1800 के आसपास पड़ी थी, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। आप देख लो कहीं पे कोई ना ही बम्पर पे आपको कोई कैमरा दिखेगा, ना ही उसमें आपको जो है नंबर प्लेट के नीचे कोई कैमरा ऐसा आपको दिख रहा है। ये प्रॉपर एकदम टॉप मॉडल की तरह आपको एकदम फील देगी और काफ़ी अच्छा इसका लुक यहाँ पे आता है। और इसका जो प्लेसमेंट है वो भी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से इसका जो एंगल निकल के आता है वो एंगल भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे से आपको जो है ये फंक्शनैलिटी दे देता है। दोस्तों मैंने कुछ लोग देखा है कि वो क्रोम स्ट्रिप भी लगवा लेते हैं लेकिन फिर बाद में कैमरा भी वो लोग लगवाते हैं और वो भी यहाँ पे बम्पर के ऊपर लगवाते हैं। तो आपके पास मैं आपको बताऊँ बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप क्रोम स्ट्रिप लगवाओ अगर आपके पास में डेल्टा या सिग्मा है और कैमरा उसी में ही फिट करवाओ। ये चीज़ आपको शोरूम पे नहीं होकर के मिलेगी, शोरूम वाले खाली आपको क्रोम स्ट्रिप लगा के दे देंगे, बट ये कैमरा वगैरह अगर आपको लगवाना है तो ये आपको जो है कार मार्केट में जाके वहीं पे जहाँ भी आप बोल देंगे वहाँ आपको वो ये चीज़ जो है लगा करके दे देंगे। दोस्तों इस अगर कैमरे की फंक्शनैलिटी की हम बात करें तो देखिए कितना क्विकली ये आता है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स गियर लेता हूँ, ये देखिए साउंड के साथ जैसे ही वो बीप आती है, बीप के तुरंत साथ ही कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही बीप होगी उससे पहले ही कैमरा आने की कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है और कोई लैग नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कि ये बाहर से कोई कैमरा लगाया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको अगर बताऊं, अगर मैं गाड़ी को यहाँ ऑफ भी कर देता हूँ, ऑफ करने के बाद में अगर मैं रिवर्स गियर पहले से एंगेज रखे हूँ गाड़ी में ऑन करता हूँ तो देखिए तुरंत कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया से जो है इसका मुझे ये फिटमेंट लगा और ये ब्लॉपंक जो है ये कंपनी भी बहुत बढ़िया है, तो इसका कैमरा लगवाना मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन बन जाता है आपके लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज एक रिवर्स कैमरा के बारे में जो कि मैंने बलेनो डेल्टा में लगवाया है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी बेटर ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल और आगे इसी तरीके के कंटेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लो राइडर को। थैंक यू सो मच।